हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, फाइनली क्रैश कोर्स की सीरीज़ का लास्ट चैप्टर आ गया, सेमीकंडक्टर। आज ये हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रहेगा और ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो, ऐसे मैं समझती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा चैप्टर 16 पे, सेमीकंडक्टर। उसमें हम लोग 2021 के PYQs लेके आए हैं और वो सभी PYQs मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको जो गेट्स है, वो गेट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एक्चुअली ये टॉपिक कोरोना की वजह से उन्होंने डिलीट किया था लास्ट ईयर में, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस की तैयारी ज़रूर करें और बहुत अच्छे से करें। इसके लिए आपको सभी गेट्स और उनके ट्रुथ टेबल, उनका बुलियन एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आपको इसको सॉल्व करते आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। इसके ऊपर आपको उन्होंने कुछ डायग्राम्स दिए थे और यहाँ से टेबल बनाने के लिए बोला था। तो डायग्राम देखो क्या दिया है। ये डायग्राम दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। इसके लिए ट्रुथ टेबल कौन सा है ये उन्होंने पूछा है। तो बच्चों, ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एंड बी का 0-0 कंसिडर करते हैं। कौन से भी दो सॉल्व करो, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने 0-0 लिया, यहाँ पे भी 0-0 इनपुट दिया, ठीक है। अब ये कौन सा गेट है, इसको नैंड गेट कहा जाता है। वो एंड गेट के अपोजिट वर्क करता है, आपको पता होगा। तो बच्चों, एंड गेट का जो फॉर्मूला होता है वो ए इंटू बी जैसा वर्क करता है, आपको पता होगा। तो ए इंटू बी मतलब यहाँ 0 × 0 मुझे क्या मिलेगा, 0 × 0 0 मिलेगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ बबल है देखो, मतलब नैंड गेट है। 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 × 0 0 मिलेगा। 0 का ये बबल की वजह से इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1, ओके। मतलब यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1। उसके बाद 0 अगर मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट गेट है, मतलब 0 का 1 बनेगा और ये 0-0 ही रहेगा। तो 1 इन ये प्लस जैसा बिहेव करता है, और गेट मतलब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी। तो बच्चों, 0 1 + 0 यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी बबल है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट मुझे 0 मिलेगा। देन 1 + 0 मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जहाँ 0-0 के लिए 1 आउटपुट मिल रहा है, ऐसे कौन से है देखो। 0-0 के लिए 1 मतलब ये नहीं आएगा, क्योंकि 0-0 के लिए यहाँ 0 है, 0-0 के लिए यहाँ 0 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, है ना। अब चेक करते हैं यहाँ पे देखो, दो अलग कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे। ये 1-1 का 1 दिख रहा है, 1-1 का 0 दिख रहा है। तो बच्चों, अभी 1-1 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अब मैं यहाँ पे 1-1 दूंगी, तो 1 × 1 हमें 1 मिलेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, 0, मतलब यहाँ पे अभी 0 बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1-1 आएगा, 1-1 का यहाँ 0 बनेगा और यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। मतलब 0 + 1 यहाँ 1 मिलेगा, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, 0। तो 0 × 0 यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, 0 + 0 मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में? तो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। CET 1 अक्टूबर 2021 में पूछा गया सवाल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आया समझ में? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए आपको ये गेट्स का ट्रुथ टेबल जो है, 1 के लिए क्या आता है, 1-1 के लिए, 0-0 के लिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लॉजिक सर्किट शोज द इनपुट ए बी एंड सी। एक मिनट, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे। लॉजिक सर्किट शोज द इनपुट ए बी एंड सी, द आउटपुट वाई इज 0 व्हेन। लॉजिक सर्किट दिया है और कौन से आउटपुट वाई कहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट वाई क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। तो किसके लिए 0 मिलेगा? तो बच्चों, सी का जो यहाँ पे ऑप्शन मैं डायरेक्टली बताती हूँ, आगे का बाकी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं सी का डायरेक्टली करके देती हूँ आपको। देखो, यहाँ 1 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। अगर 1 दिया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। 1 × 1 क्या रहेगा, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, 0। तो 0 + 0 यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब वाई मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0 मिल रहा है। मतलब लॉजिक सर्किट जो है, ये जो सर्किट है वो हमें y कहाँ पे दे रहा है, 0 के लिए दे रहा है। मतलब सॉरी, y किसके लिए, 1 1 1। ये ए बी सी जब 1 1 रहेंगे तब हमें आउटपुट 0 मिलेगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी वन इफ एंड ओनली इफ. इस सर्किट में आउटपुट वाई कब मिलेगा, सॉरी आउटपुट वन कब मिलेगा, ये मुझे क्या चाहिए, वन. अब यहाँ पे और गेट है, तो और गेट का एक भी टर्मिनल वन रहा तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, वन ही मिलता है. तो अगर मैं ए को वन कर देती हूँ तो ये वन यहाँ पे मिलता है मुझे वन, और इसका कुछ भी आप पुट करो, वन जीरो वन कुछ भी पुट करो, ये अगर मुझे जीरो मिलता है फिर भी जीरो प्लस वन मुझे क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा. तो यहाँ पे ए अगर वन रहा इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. ए अगर वन रहा तो मुझे वाई हमेशा क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए आपको एक्स और गेट पता होना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन देखो क्या है, नॉर गेट पता होना ज़रूरी है. ये नॉर गेट होता है, इसको नॉर गेट कहते हैं हम लोग. इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट आउटपुट वाई वन एंड वाई टू आर. नीचे एक सर्किट दिया है और वाई वन एंड वाई टू क्या रहेगा वो पूछा है. तो देखो बच्चों, ये अगर वन रहा तो आउटपुट हमेशा हमें क्या मिलेगा, मतलब जब इसका आउटपुट वन कब मिलता है, जब दोनों जीरो होंगे तभी हमें वन मिलता है. अगर और गेट का आप टेबल चेक करोगे, नॉर गेट का, तो देखो ए बी और यहाँ पे वाई आउटपुट, तो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन मिलेगा. जीरो प्लस वन वन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा. वन प्लस जीरो वन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा. एंड वन वन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे जीरो मिलेगा. मतलब इसका आउटपुट जब दोनों जीरो रहेंगे तभी मुझे वन मिलता है, अदरवाइज मुझे क्या मिलता है, जीरो. तो ये वन है, एक भी वन रहा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. और यही जीरो देखो यहाँ पे आ रहा है, ये जीरो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जीरो ये जीरो. तो जीरो जीरो के लिए मुझे वाई टू क्या मिलेगा, दैट इज वन मिलेगा. जीरो जीरो के लिए वाई टू क्या मिलेगा, वन. इसका मतलब वाई वन जीरो और वाई टू वन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वाई वन जीरो एंड वाई टू वन. तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सब लॉजिकल गेट्स है और उसका अगर आपको ट्रूथ टेबल पता होगा, लॉजिक से आपको सॉल्व करना है सभी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो सभी गेट्स यहाँ पे लर्न करके जाइएगा ज़रूर. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रिजल्टेंट गेट एंड इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इन द गिवन सर्किट इज. इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. तो जो आने वाला ट्रूथ टेबल है वो कौन से गेट का रहेगा वो हमें देखना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाती हूँ. देखो पहले ए रहेगा, बी रहेगा ट्रूथ टेबल में, उसके बाद सी एंड डी भी हम लोग निकालेंगे, सी डी एंड देन हम लोग वाई निकालेंगे. ठीक है, तो मान लो यहाँ ए के लिए मैंने जीरो जीरो दिया, जीरो 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 वन, देन वन जीरो वन वन. ओके, तो जीरो जीरो यहाँ पे अगर मैं जीरो देती हूँ, जीरो जीरो, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन आएगा, ये वन आएगा, तो सी एन डी वन वन मिलेगा मुझे. अगर जीरो जीरो दिया तो सी डी वन वन मिलेगा. तो वन प्लस वन मुझे वन मिलता है, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, जीरो. तो ये मुझे मिलेगा जीरो. ठीक है, उसके बाद अभी जीरो वन दे के रखो, जीरो एंड वन. एक मिनट, इसको मैं पहले का जो है उसको रफ कर लेती हूँ, ताकि है ना हमें उसको सॉल्व करते आएगा ठीक से. अभी मैं क्या देती हूँ, जीरो वन, तो इसको मैंने जीरो दिया, वन दिया, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो. तो वन एंड जीरो, सी डी क्या मिलेगा, सी वन मिलेगा, डी जीरो मिलेगा. तो जीरो वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो, वन मिलता है, वन का कॉम्प्लीमेंट अगेन मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है. ठीक है, देन वन एंड जीरो, वन एंड जीरो, तो वन का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन मिलेगा. जीरो प्लस वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट. एक मिनट, ये पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा, फिर यहाँ पे वन आएगा, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो प्लस वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो. ठीक है, देन यहाँ पे वन, ये वन है, ये वन है, तो वन वन मतलब ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा. जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट वन. तो जीरो 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 एंड वन, ये कौन सा गेट होता है बच्चों, ऐसा ऑप्शन हमें एंड गेट का मिलता है ना. y इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही मिलेगा, जीरो इंटू वन जीरो मिलेगा, वन इंटू जीरो जीरो मिलेगा, वन इंटू वन वन मिलेगा. इसका मतलब a इंटू बी एंड गेट, ऐसा ऑप्शन है हमारा b, जो कि करेक्ट. ये सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. सी टी 24 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है. ओके, स्क्रीनशॉट निकालो इसका. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. फॉर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट टू बी वन, आउटपुट लॉजिक सर्किट का आउटपुट वन होना चाहिए. द वैल्यूज ऑफ इनपुट ए एंड बी शुड बी रिस्पेक्टिवली. क्या हो, क्या वैल्यूज पुट किए तो आउटपुट वन मिलेगा. तो बच्चों अगर मैं इसको जीरो जीरो देती हूँ तो देखो जीरो जीरो के लिए हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो मिलता है और गेट के लिए, अदरवाइज हमें वन ही मिलता है और गेट के लिए. तो जीरो प्लस जीरो क्या मिलेगा, जीरो, एंड जीरो का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, वन. तो ऐसा कौन सा आउटपुट लॉजिक सर्किट का वन आएगा वैल्यूज ऑफ द इनपुट क्या पुट करने के बाद, जीरो एंड जीरो, मतलब बी ऑप्शन. अगर मैं दोनों जीरो पुट करती हूँ तो मुझे वाई क्या मिलता है, वन मिलता है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. हाँ यहाँ पे टेबल दिया है. फॉर अ टू इनपुट एंड गेट द फोर एंट्रीज आर शोन इन द ट्रूथ टेबल, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब यहाँ चार एंट्रीज दी है तो इसमें से एंड गेट की एंट्रीज कौन सी रहेगी. एंड गेट देखो बेटो, एंड गेट देखो क्या होता है. एंड गेट मतलब अगर जीरो, एक भी जीरो रहा तो हमें आंसर जीरो मिलता है, ऐसा एंड गेट है. तो यहाँ पे देखो यहाँ जीरो है यहाँ वन है फिर भी हमें जीरो मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है. वन है जीरो तो जीरो मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है. वन इंटू वन वन मिल रहा है, ये करेक्ट है. लेकिन जीरो इंटू जीरो जीरो होना चाहिए लेकिन यहाँ वन मिल रहा है, मतलब ये एंड गेट का आउटपुट नहीं है. तो वन टू थ्री जो है वो एंड गेट की एंट्रीज है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. वन टू एंड थ्री वो एंड गेट की एंट्रीज है. ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के. Which of the following gates will have an output one for the given inputs? कौन से गेट्स के लिए आउटपुट वन रहेगा. देखो ये NAND गेट है, मतलब वन इंटू वन वन आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे जीरो मिलेगा तो इसका आउटपुट जीरो आता है. जीरो प्लस जीरो और NOR गेट है तो जीरो प्लस जीरो जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है वन. जीरो इंटू वन जीरो आएगा, वन इंटू जीरो इसका आंसर XOR गेट का आंसर. देखो XOR गेट का कुछ ऐसे होता है, Y इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आंसर होता है इसका. तो इसका वन है, A वन है, ये वन एंड ये बी. A वन है, वन इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, दैट इज़ वन जीरो का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे जीरो इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट जीरो. ओके वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो आएगा, मतलब ये क्या मिलता है मुझे, वन इंटू वन वन मिलेगा. वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो वन मिलेगा, मतलब इसका आंसर मुझे वन मिलेगा. तो दो गेट्स का देखो, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ मतलब कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. सेकेंड एंड फोर्थ का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है. तो ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपको पता होंगे ना तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते. इसका क्या होता है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, मैं बता देती हूँ आपको. इसका क्या होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. ओके कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, जीरो आया तो वन, वन आया तो जीरो. इसका मिलता है ए इंटू बी और इसका मुझे क्या मिलता है, दिस वन. ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या है. अ लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट हाई ओनली वेन इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स आर डिफरेंट लॉजिक लेवल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो बच्चों ये जो है इसका आंसर XOR आएगा. देखो लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट हाई ओनली वेन टू इनपुट टर्मिनल्स आर डिफरेंट लॉजिक लेवल्स. XOR गेट मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट लॉजिक लेवल, मतलब ये XOR गेट होता है. तो इस XOR गेट के जो आउटपुट होते हैं, जब दोनों टर्मिनल्स डिफरेंट लॉजिक लेवल रहेंगे तभी उसका आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा. आप उसका ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज उसका आउटपुट लो रहेगा. तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कॉम्बिनेशन ऑफ NAND गेट इज शोन इन द फिगर, इट इज इक्विवेलेंट टू. इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल का यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं ये किसका सर्किट है. ठीक है तो यहाँ टेबल के लिए मैं यहाँ ए लिखती हूँ, बी, दो इनपुट से वाई वन वाई टू, तो वाई वन वाई टू भी मुझे लेना पड़ेगा एंड देन वाई, ये लास्ट का आउटपुट है. तो ये टेबल जो आएगा उसी के ऊपर से हम लोग इसको बोल सकते हैं. तो देखो सबसे पहले हम जीरो जीरो लेते हैं, जीरो जीरो, तो ये जीरो अगर मैंने लिया तो ये जीरो इंटू जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो जीरो आएगा. तो जीरो इंटू जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, वन.
जीरो इंटू जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, वन। इसका मतलब वाई वन मुझे वन मिलता है, वाई टू मुझे वन मिलता है, तो वन इंटू वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, मतलब इसका आंसर मुझे मिलेगा जीरो। ठीक है, उसके बाद जीरो वन, ये जीरो दिया, ये वन दिया, तो ये वन आया, ये वन आया, जीरो जीरो, तो जीरो इंटू जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट मुझे वन मिलेगा, वन इंटू वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट मुझे जीरो मिलेगा, तो वाई वन यहाँ पे वन मिलता है, वाई टू यहाँ पे जीरो मिलता है, तो वन इंटू जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा वन। ओके, उसके बाद वन जीरो, यहाँ पे वन वन, ये वन आएगा, ये वन आएगा, वन इंटू वन वन मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा, और जीरो है ये जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो इंटू जीरो 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 का कॉम्प्लीमेंट वन। ओके, तो ये जीरो है, ये वन है, वाई वन जीरो एंड वाई टू वन, तो जीरो इंटू वन मतलब ये जीरो मिलेगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा वन। ओके, सेम अभी हम लोग देंगे यहाँ वन वन। ओके, वन के लिए ये रफ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, वन, तो ये वन है, ये वन है, वन इंटू वन वन मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा, मतलब y1 मुझे मिलेगा जीरो, एंड यहाँ पे वन दिया, तो वन वन, वन इंटू वन वन मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा, तो y2 मुझे मिलेगा जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वन, तो जीरो वन वन कौन सा टेबल है OR गेट का, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चंस जो है बच्चों, ये 2021 के क्वेश्चंस थे, सभी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इस चैप्टर के मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, होप्स आपको समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट चैप्टर था, यहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज ख़त्म होती है। होप सो आपको, आप सभी को ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, और इसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीईटी के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।